My dear students, greetings from TSN. In this video, we'll be starting with the new poem named Mystery of a Talking Fan, written by Maud Rubin. So, do fans talk? Do your fan talk? Some will say yes, some will say no. Student, it is completely on your imagination. कि आपकी इमेजिनेशन क्या कहेगी कि येस माई फ्रेंड टॉक्स माई फ्रेंड डांस इफ़ आई से माई फ्रेंड इज सैड सी कुछ भी नहीं कर रहा देन इट इज़ कम्प्लीटली ऑन योर इमेजिनेशन आप जो इमेजिन करोगे वैसा आपको लगेगा सिमिलरली ये जो पोएम है दैट द इस जो पोएट्स हैं उन्होंने अपनी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी यूज़ करके ये पोएम राइट की है नाउ वी विल बी सीइंग दैट मॉड रूबिन शी इज़ अ पोइटिस वो जनरली राइट दीज सच काइंड ऑफ पोएम विच वी यूज इन आर मंडेन और विच इज़ वेरी कॉमन इन आर लाइफ बट वी यूजली डोंट गेट गिव अटेंशन टू दैट थिंग्स लाइक इफ़ आई से रेफ्रिजरेटर चेयर्स टेबल तो इनकी जो सारी पोएम्स हैं वो जनरली ऐसी यू कैन ईजली गूगल इट राइट डाउन पोएम्स रिटन बाय मॉड रूबिन एंड यू विल रीड सच वंडरफुल एंड क्रिएटिव पोएम्स नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिस्ट्री मिस्ट्री मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट नोन एंड ब्रिंग्स क्यूरियोसिटी राइट जैसे अपन क्या आप काफ़ी सीरियल्स देखते हो तो इट इज़ फुल ऑफ मिस्ट्री तो वो अपन क्यूरियोसिटी हो जाती है अपने अंदर अब क्या होगा ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हो रहा है एंड समटाइम्स मिस्ट्री जैसे मेरे लिए अगर इफ़ आई से कि ये पेंसिल कहाँ से आई ये बुक कहाँ से अगर ये मेरे लिए मिस्ट्री है तो माइट बी आपके लिए ना हो सो हेयर इन दिस पोएम यू नीड टू यूज़ योर इमेजिनेशन विद द पोएटिस पोएटिस ने तो अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके ये पोएम लिखी है आप जब ये पोएम सुनोगे एंड जब ये समझोगे तब आप अपनी इमेजिनेशंस पोएट्स के साथ यूज़ कर सकते हो नाउ टॉकिंग फैन नाउ पोएट्स इज़ टॉकिंग अबाउट अ फैन माइट बी इन हर रूम माइट बी इन हर हाउस दैट इज़ टॉकिंग वन सो दिस इज़ द पोएम दैट ऑल रिवॉल्व अराउंड द टॉकिंग फैन मिस्ट्री कि व्हाट द फैन वॉज टॉकिंग डू यू वॉन्ट टू नो कि फैन क्या बात कर रहा था पोएट्स से सो Let's begin with the poem. Before starting the poem, let's read these lines given above here. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting right now? Yes. Okay. I have fans too. Is the fan quiet or noisy? My fans right now are quiet. What about yours? आपके जो भी कमरे में fans हैं, just look above. क्या वो fan noisy हैं? या क्वाइट है ओके सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे तो मेरा ये वाला क्वाइट है बट येस मेरे भी घर में एक टॉकिंग फैन है आई टेल यू लेटर नाउ लेट्स कंटिन्यू इफ इट इज़ अ नॉइजी यू मे बी श्योर इट इज़ अ डिस्टेंस रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड सो अगेन दिस पोएटिस इज सो क्रिएटिव सो ह्यूमरस कि उन्होंने इन लाइन्स में भी ये कहा है कि अगर ये आपका वाला फैन अगर नॉइजी है तो ये ज़रूर से डिस्टेंस्ड रिलेटिव होगा उस नॉइजी फैन का जो कि इस पोएम में है सो डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंट रिलेटिव मीन्स दूर का रिश्तेदार तो शी इज सेइंग कि दैट इफ़ इट इज़ अ डिस्टेंस एक्सक्यूज मी इट वॉज अ टेक्निकल इशू सो वेयर वी वर डिस्टेंस रिलेटिव तो डिस्टेंस रिलेटिव मीन्स दूर का रिश्तेदार सो इफ़ आई एम सेइंग कि अगर मेरा फ़ैन नॉइजी है तो पोएटिस ये कहना चाह रही है कि ये ज़रूर से जो आपका फ़ैन है ये उस नॉइजी फ़ैन का दूर का रिश्तेदार है जो कि इस पोएम में है नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिज चैटर सो शी इज सेइंग दैट वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन इन हर हाउस और इन हर रूम दैट डू इलेक्ट्रिकल चैटर हिज मीन्स Here, his means fan. She is referring to fan. His chatter and chatter means talk informally
or the talk which has no unimportant meanings. For example, when you talk with your friends, so you talk on general topics, means sometimes it is important, sometimes it is not so important talks. And when lots of people says, तो एक voice आती है, murmuring sound आती है, जो easily समझ नहीं आता कि कौन क्या कर रहा है. इवन इफ़ आई से कि अगर क्लासरूम में अगर टीचर आपसे क्वेश्चन पूछते तो वो आप एक साथ सारे आंसर देते हो, व्हाट टीचर सेज कि गिव मी आंसर वन बाय वन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर मर्मर, मीन्स जो आप इतनी सारी जो आवाज़ कर रहे हो एक साथ वो समझ नहीं आ रही. सो नाउ शी इज सेइंग दैट हर फैन जो उनके रूम में है या जो हाउस में है वो इलेक्ट्रिकल चैटर कर रहा है. मीन्स why electrical, if you see in the fan we see lots of motor and motors, of course electronics mein motors hoti hain, to wahan pe kya hai ki jab wo electrical use ho rahi hai to uske jo motors honge ya uske jo motor parts honge wo friction kar rahe hain. frictions means if I say ki motor part hai and fan iske aas paas revolve ho raha hai to might be is friction se जो आवाज़ हो रही है वो उस आवाज़ को किससे रेफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चैटर से. सो इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल चैटर एंड शी सेइंग कि वो जो इलेक्ट्रिकल चैटर है वो ऐसा लग रहा है कि वो फैन उनसे बात कर रहा है. आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजंट मैटर. सो नाउ पोएटिस इज सेइंग आई एम ट्राइंग टू लिसन व्हाट द फैन इज ट्राइंग ही trying to say. Again here he means fan, right? Now poet is saying that whatever the fan is trying to say, I am not able to understand and I am hoping it doesn't matter. Means agar wo jo baat kar rahe hai, fan jo baat kar raha hai wo I think itna important nahi hai and I hope जो अगर उसकी कोई बात हो तो इतना कोई मैटर नहीं हो. बिकॉज वन डे समबडी ऑइल्ड हिज लिटिल वर्लिंग मोटर एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड ही रैन एज स्टिल एज वाटर. नाउ पोएटिस इज सेइंग दैट शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. हेयर ऊपर क्या था कि डोंट आई कुडंट क्वाइट हेयर, मीन्स शी इज़ ट्राइंग टू हेयर, शी इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री कि व्हाट द फैन इज टॉकिंग. बट वन डे समबडी ऑइल हिज लिटिल वर्लिंग मोटर. वर्लिंग मीन्स राउंड मूवमेंट, वर्लिंग मीन्स रोटेटिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैन में मोटर होगी जो कि राउंड मूव करेगी, जिसकी वजह से फैन मूव करेगा. जैसे ऐसे यू कैन से मतलब समथिंग लाइक दैट. ओके, तो शी वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे अब उसने अगर पोएम में लिखा है कि अगर टॉकिंग फैन है तो डेफिनेटली पोएटिस जानना चाह रही थी कि फैन क्या बात कर रहा है. एंड व्हेन शी वॉज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री मीन्स शी वॉज क्यूरियस, शी वॉन्ट्स टू नो वॉट फैन वॉज टॉकिंग. बट सडनली वन डे समवन ऑइल दैट वर्लिंग मोटर, माइट बी उस मोटर में, उसी मोटर में वो इलेक्ट्रिकल चैटर हो रहा था. एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड एंड ड्यू टू दैट ऑयल, इफ़ द ऑयल वी जनरली सी कि अगर मोटर्स में ऑयल अगर डालते हैं तो वो आवाज़ करना बंद कर देती है. आपने कभी ना कभी तो नोटिस करा होगा कि फ़ैन आवाज़ कर रहा है तो, या फिर गेट्स आवाज़ कर रहे हैं. अगर आप जनरली अगर आपने सुना हो तो अपन के पेरेंट्स या अपन के आसपास वाले लोग क्या कहते हैं, पुट ऑयल्स, पुट सम ऑयल ऑन इन इट एंड इट विल स्टॉप मेकिंग द नॉइज़. तो उसने क्या, फ़ैन ने वो जो चैटर है वो उसकी बंद हो गई थी. द फैन सडनली स्टॉप टॉकिंग एंड द मिस्ट्री बिहाइंड हिज फैन्स टॉकिंग वॉज ऑल स्पॉइल्ड, इट वॉज ऑल क्लोज्ड. ही रैन एज स्टिल एज वाटर. हेयर अगेन ही मीन्स फैन, फैन वॉज नाउ एज स्टिल एज वाटर. मीन्स as still as water mean as quiet as water. And why it was quiet now? Because someone oiled it now. So we end this poem here. I hope you enjoyed it. I hope you imagine with the poetess and with me
And at the end of the poem, if I say, let's quickly summarize it, we will see that the poem opens with personification. Personification means आप किसी human character से किसी non-living thing को compare कर रहे हो. कैसे? यहाँ पे अपन ने देखा था he. Okay, first line में if I say, second line में his है, third line में he है, and in again last third line here his लिखा हुआ है, and at the end he. तो यहाँ पे क्या है, personification use किया. It is an poetic device. You can write down with me. I'll repeat it again for you. The poem opens with the personification of the fan, that the fan has ability to talk and chatter like human. Whole movement, okay, whole moving, और जो इसका कहेंगे जितना भी जो movement था fan का, उसको एक चैटर और टॉक से कंपेयर कराए. द पोइटिस इज अनेबल टू राइट व्हाट एग्जैक्टली द फैन वॉज टॉकिंग, बट बिफोर शी कुड अंडरस्टैंड और सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ अ टॉकिंग फैन, समबडी ऑइल्ड इट फॉर यू कैन से समबडी ऑइल्ड इट्स मोटर एंड सिंस देन द फैन गॉट साइलेंट मीन्स क्वाइट और यू कैन से क्वाइट एज वाटर. Now let's see the rhyming scheme. Generally अपन ने आपको अगर नहीं सम पता कि rhyming schemes कैसे ढूंढते, I'll tell you. Okay, let's see. आपको rhyming schemes में generally last word देखना होता है poem का, last word of the line. So fan, तो इसको अपन A लिख देंगे. Chatter, इसको अपन ओके, आई जस्ट रेज इट एंड राइट इट क्लियरली हेयर. ओके, फैन, सो वील पुट इट ए. चैटर, बी, सेड, सी. एंड अब अपन इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कोई वर्ड सिमिलर साउंड कर रहा है, नो, राइट? सो वी विल बी अगेन seeing that, and we usually write A, B, C, not more than that C, ki D, E nahin likhenge. Again, fan mein A, chatter is B, said is C, and matter, ye kisi se sound hota hai? Yes, chatter word se. Then again, D. To yahan pe apan first scheme बंद करेंगे. नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑइल्ड, अगेन वी विल पुट ए. मोटर, बी, स्पॉइल्ड, सी, एंड वाटर, बी. क्यों? क्योंकि ए क्या था यहाँ पे, ऑइल्ड एंड स्पॉइल्ड. ओके, सो हेयर इट इज़ अ राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ में क्या थी, इट वॉज ए, बी. यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हेयर, फ्रॉम वन से लेकर 1, 2, 3, 4 लाइन. इन 4 लाइन की क्या राइमिंग स्कीम थी, ए, बी, सी एंड अगेन बी. तो ये फर्स्ट वाले की राइमिंग स्कीम. नेक्स्ट 4 लाइंस, ऑइल्ड, ऑयल यहाँ से बिकॉज से लेकर वाटर तक. नाउ अगेन ए, बी, देन अगेन ए एंड वाटर, बी, ए बी, ए बी. एंड ऊपर वाले का क्या था, ए, बी, सी, बी. सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द poem. I hope you enjoyed this poem. Thank you so much for listening. Stay safe, stay well.